press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Flavors with Charmin. आज के वीडियो में बन रहा है कांडी गोश्त। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मटन के बोनलेस पीसेस क्यूब्स में कटे हुए हमें चाहिए 300 ग्राम, 1 टेबलस्पून पपीते कच्चे पपीते का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ब्रेड क्रम्स और ये वुडन स्टिक्स हमें चाहिए उसको बनाने के लिए। तो आइए बनाते हैं कांडी गोश्त। सबसे पहले हम अपने बोल में डालेंगे ये मटन क्यूब्स, कच्चा पपीते का पेस्ट, ये हमारे मीट को टेंडर करेगा, इसी की वजह से गोश्त में गलावट आएगी, लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस सब को मिक्स करके इसको मैरिनेट करके हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मीट हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये गाढ़ा हो चुका है, अब हम अपने मटन के पीसेस को ये वुडन स्कूअर्स पे लगाएंगे और इसको पहले हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, फिर अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। कच्चा पपीता लगा हुआ है इसके ऊपर, इसके लिए मटन हमारा सॉफ्ट हो गया है तो ये जल्दी पक जाएगा। इसी तरह से मैं सब लगा लेती हूँ। अब देख सकते हैं गोश्त के पीसेस मैंने अब स्टिक्स पे लगा दिए हैं। अब मैं इसको पहले ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी, फिर यहाँ पर मैंने एक अंडा फेंट के रखा हुआ है, इसको हम अंडे में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। तो पहले इसको क्रम कोट करते हैं। इसी तरह मैं पहले ब्रेड क्रम्स लगा के सारे कोट करके रख देती हूँ, फिर अंडे में डिप करके हम इसको फ्राई करें। अब हम अपने कांडी गोश्त को फ्राई करेंगे। तेल यहाँ पर मैंने गरम होने रख दिया है। ये ब्रेड क्रम्स अब इसके ऊपर पूरे लग चुके हैं, अब मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और फ्राई करूँगी। इसको हमें स्लो हीट पर ही पकाना है क्योंकि गोश्त हमारा कच्चा है, पपीते की वजह से गल जाएगा लेकिन फिर भी हम इसको स्लो हीट पर पकाएंगे। इसको हम दोनों तरफ से अभी फ्राई कर लेंगे। सब फ्राई हो चुका है, मैं इसको पेपर टावल के ऊपर निकालूंगी और बाकी बचे हुए भी इसी तरह फ्राई करेंगे। कांडी गोश्त हमारा बन चुका है, हम इसको सर्व करेंगे अनियन रिंग्स और ये लेमन वेजेस के साथ में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी।